हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल अखंड ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनको मैं पहले ही बता दूं, ये जो तेरा भाई है ना, इसी तरह का एनिमेटेड वीडियोस बनाता है। चुप कर बे कुत्ते। तो कुछ फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो चलो बहुत हो गया, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर डीप वाटर के राइटर है विलियम डॉगमर्गिस, सॉरी विलियम डॉगलिस, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। तो इस चैप्टर में वे अपने जीवन कथा के बारे में बताते हैं, और तो काम है नहीं इन लोगों को, तो सुनो कहानी। इस भाई साहब को अपने जीवन में कुछ तूफानी करना था, तो जब वे 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्विमिंग करेंगे, और स्विमिंग वे कहाँ करेंगे, YMCA इन याकिमा। और एक बात, हमारे जो राइटर हैं उनको पानी से बड़ा डर लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वे 3 या 4 साल के थे तो वे अपने पापा के साथ बीच गए थे, कहाँ, कैलिफोर्निया। तो होता क्या है, जब वे बीच में होते हैं ना तो बड़ी सी लहर आती है जिसके कारण राइटर पानी के अंदर चले जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी कारण से उन्हें पानी से बड़ा डर लगता है। एक बात बताऊं, मुझे क्या लगता है ना, राइटर ना जरूर किसी लड़की को देख रहा होगा जिसके कारण वो लहर को देखा नहीं और अंदर चला गया। इसीलिए तो हमारा ऑथर स्विमिंग सीखता है, खतरों का खिलाड़ी बनता है। फिर जब वे फर्स्ट टाइम यकीना जाते हैं स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए तो उनको वही पुरानी चीजें दिमाग में आती हैं। फिर वे बाकी लड़कों को देखकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। फिर वे बताते हैं कि वे पूल के साइड में बैठे थे, फिर अचानक से एक 18 साल का हेल्दी मसल्स वाला लड़का आता है, फिर उसको उठाता है और फेंक देता है। कहाँ फेंकता है, पूल में। फिर ऑथर को लगता है यही समय है तूफानी करने का, तो वो डिसाइड करता है कि पूल से वो खुद ही बाहर निकलेगा, लेकिन बेचारा असमर्थ हो जाता है, मतलब कि बाहर नहीं निकल पाता। फिर जब ऑथर पूल के अंदर पानी में डूबता रहता है तो वो सोचता है कि वह अपने पैरों से टाइल्स पे जितना फोर्स लगा सके वह उतना फोर्स लगाएगा, क्योंकि उसके कारण वह पानी के ऊपर आ सकता है, लेकिन बेचारा वो भी नहीं कर पाया। फाइनली राइटर उस समय पानी के अंदर डूबते जा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि आसपास कितनी शांति है, और उसको ऐसा लग रहा था कि वह उसी शांति में मर जाएगा। फिर मेरे भाई, मतलब कि ऑथर, और भी ज्यादा डर लगने लग गया, जिसके कारण अब वह फिशिंग भी नहीं कर पाएगा, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। फिर आगे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है, मेरा भाई है खतरों का खिलाड़ी, तो इस बार ऑथर ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लिया। तो वे ऑथर के कमर पे रस्सी बांधते हैं और उनको धीरे धीरे पानी में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह फाइनली ऑथर स्विमिंग करना सीख जाता है। लेकिन मेरे भाई, ऑथर को फिर भी डर रहता है कि वह सही में तैरना सीख गया या फिर पानी में वह डूब गया। तो यार ये ऑथर कितना कचड़ करता है, मन करता है वहीं डुबा के मार दूं इसको। अब फाइनली ऑथर डिसाइड करते हैं कि अब वे लेक वेंटवर्थ जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि उनको तैरना आता भी है या नहीं। लेकिन फाइनली वे तैरना सीख जाते हैं, सुन के खुशी हुई। फिर पता है फंटू लोग ऑथर क्या बोलता है, अगर हमको जीवन में डरना है तो सिर्फ डर से डरना है। एक मिनट रुक, क्या बोला, डर से डरना है, बड़ा गजब का इंसान है यार तू। हाँ बोला तो सही है। फिर आगे ऑथर बोलता है कि मौत के समय में तो शांति मिलती है, जब मैं पानी के अंदर डूब रहा था तो एकदम से जन्नत का एहसास हो रहा था। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि डरना है तो सिर्फ डर से डरो, मौत से नहीं, मौत में तो शांति मिलती है। तो इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है। तो जिसको जिसको चैप्टर समझने में शांति मिली हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना ताकि मुझे शांति मिल सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय।